बॉलीवुड की चमेली यानी कि अमृता सिंह ने अपनी दमदार एक्टिंग और चुलबुले अंदाज से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई। वहीं उनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो अपने से उम्र में छोटे एक्टर सैफ अली खान से शादी कर भी उन्होंने खूब लाइमलाइट बटोरी थी, लेकिन दुख की बात ये रही कि शादी सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन एक माँ के तौर पर अमृता ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सारा के संस्कार इस बात का सबूत है। हालांकि अमृता खुद एक दमदार पहचान रखने वाली माँ की बेटी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको अमृता सिंह की लाइफ स्टोरी के बारे में बताते हैं। अमृता रुखसाना सुल्ताना और शविंदर सिंह की बेटी है, और बेटी की लाइफ स्टोरी से पहले हम आपको उनकी माँ रुखसाना के बारे में बताते हैं। अमृता की माँ रुखसाना सुल्ताना एक जानी मानी पॉलिटिशियन थी और पिता शविंदर आर्मी ऑफिसर। अमृता एक ऐसी महिला माँ की बेटी हैं जिनके कभी दिल्ली के मुसलमान खौफ खाते थे। 25 जून 1975 में आपातकाल का ऐलान हुआ था। इस इमरजेंसी में रुखसाना सुल्ताना का नाम भी आता है। राशिद किदवई की किताब 24 अकबर रोड के मुताबिक वो इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की बेहद करीबी थी, और कहा तो ये भी जाता है कि उनके चलते परिवार के सदस्यों में काफी मनमुटाव व लड़ाइयां भी हुई, लेकिन इसका रुखसाना की शख्सियत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस इमरजेंसी की वजह थी परिवार नियोजन, और संजय गांधी इस काम की शुरुआत दिल्ली से करना चाहते थे, वो भी मुस्लिम समुदाय से। लेकिन उस समय मुस्लिम समुदाय में ये अफवाह थी कि वो उनके समुदाय को कम करने की साजिश है। संजय गांधी ने काम रुखसाना को सौंपा था। उन्हें 8,000 मर्दों की नसबंदी के लिए कहा गया था, लेकिन रुखसाना ने 8 की बजाय 13,000 मर्दों की नसबंदी करवाई थी। बस वहीं से देखते ही देखते पुराने दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली रुखसाना संजय गांधी की खास बन गई थी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक कार्यक्रम में संजय गांधी से मिली थी, और उन्होंने कहा था कि वो पार्टी के लिए क्या कर सकती हैं। संजय ने तब उन्हें नसबंदी योजना के बारे में बताया ताकि परिवार नियोजन कार्य को बढ़ाया जा सके। जल्द ही रुखसाना ने अपना काम शुरू कर दिया। वो लोगों को नसबंदी के फायदे बताती। उन्होंने नसबंदी के कई कैंप भी चलाए। कहा जाता है कि रुखसाना का नाम सुनकर दिल्ली के मुसलमान उनसे खौफ खाते थे। रुखसाना ने सैन्य अधिकारी शविंदर सिंह से बात की, जो मशहूर पत्रकार लेखक खुशवंत सिंह के भतीजे थे। अमृता सिंह उन्हीं की बेटी है। चलिए अब आपको अमृता के करियर के बारे में बताते हैं। उन्होंने 1983 में बेताब के साथ अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म सुपरहिट रही और अमृता को भी पहली ही फिल्म से सफलता मिली। उसके बाद मर्द, साहिब, चमेली की शादी, आईना जैसी कई हिट फिल्में दी। उन्होंने लगभग हर सुपरस्टार के साथ काम किया। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, उन्होंने कई नेगेटिव रोल भी निभाए और उनके किरदार को पसंद भी किया गया। फिल्म आईना के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, ग्लॉसी मेकअप, लॉन्ग स्कर्ट और स्लीवलेस गाउन के लिए वो फेमस फैशन आइकन रही। साल 2002 में आई फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद में उन्होंने भगत सिंह की मां का रोल निभाया था। वहीं वो 2005 में एकता कपूर के सीरियल काव्यांजलि में भी नेगेटिव रोल प्ले करती नजर आई थी, जो अच्छा खासा फेम में रहा। चलिए अब बात करते हैं अमृता की मैरिड लाइफ की। सैफ अली खान से उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी। वो सैफ से उम्र में 12 साल बड़ी थी। एक समय था जब सैफ अमृता के प्यार में पागल थे। वहीं अमृता ने भी शादी के बाद अपने करियर पर फुल स्टॉप लगा लिया था, लेकिन 2004 में उनकी 13 साल की शादी टूट गई। हालांकि इस बीच सैफ ने अमृता पर अपनी माँ व बहन के साथ गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया। वहीं शादी टूटने की वजह सैफ के अफेयर को भी बताया गया। दोनों के दो बच्चे हैं, सारा और इब्राहिम अली खान। सारा अली खान ने भी इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है। वो भी अपनी माँ के नक्शे कदमों पर चल रही है। केदारनाथ और सिम्बा मूवी में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। अमृता भले ही अपनी शादी को बचा नहीं पाई, लेकिन उन्होंने सिंगल मदर बन माँ के तौर पर बच्चों की अच्छी परवरिश की। आज वो एक्टिंग लाइन से भले ही दूर हों, लेकिन आए दिन वो बेटी के साथ इवेंट में स्पॉट होती ही रहती हैं। इन दिनों वो मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा हमें बताना ना भूलें।